होगी। पिछले हफ्ते भगवंत मान ने मिले सी, काफी गल्ला हुई, सत एमएलए से असि पूरी डिटेल डिस्कस हुई है। पहला मुख्यमंत्री है जो दुखले भालने जानता है, जो पता गर्दी कितने बलाडा कितने बलाडे की जी अनाज मंडी कितने है उन्हें चप्पे चप्पे का पता है। मैं उन्होंने गलत दसी है कुछ इलाके दंगा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, चंगा टेक्निकल कॉलेज नहीं, अध्यापकों दी पोस्टा नहीं पूरी हुई। सब तो माड़ी गल यह है कि 70 साल के बुलाडे के हस्पताल के कदे भी कोई मरीज तसली वास्ते इलाज करा के नहीं गया, क्योंकि चंगे डॉक्टर है नहीं। रात को जाने कई बार रात में रैफर करके रैफर कर देते भी जाओ भाई मानसा मानसा जिले का हस्पताल है, जाओ भाई तुम नाल दी नाल पटियाले, गरीब बंदा कितों इलाज करावे। दफ्तर के करप्शन है चंगी तरह पता आपां नूं, होर अनेक समस्या ने, पार्टी की पानी की समस्या है, खेडा की समस्या है, सारे नालों वड्डी रुजगार की समस्या है। यह गल्लां मैं भगवंत मान डिस्कस कीतियां सी, सुन मैं सच्ची गल दसा तुसीं सुन के हैरान होवोगे, क्योंकि भगवंत मान मैनू अपना किव चाचा कह दिंदा है, इस करके कि उहदा फादर सीगा वो टीचर सी, सैस मास्टर सी, बीके टीचर। मैं कहना चाचा जी परवाह ना करो, अपने इलाके जाके बुलाडे इलाज कर दो, अपने जाके बुलाडे इलाज कर दो। 100 अथरसा सिरे दे गंढ, जिन्निया भी समस्या तुहाडियां हैगियां ने, जिन्निया भी सहूलतां तुहानूं चाहीदियां ने, बुलाडे वाले जिहड़ा मूंह चो बोलदे ना वो समस्या हल हो जाणी है। जिहड़े मूंह चो बोलणगे इत्थे किसे किस्म की समस्या का कोई प्रॉब्लम नहीं। आपां बैठे हां, तुहानूं पता है भी सैकड़े किस्म की समस्या है, सैकड़े किस्म दियां। चलो कोई नहीं, तुसीं बैठे रहो। साढ़े हरमन प्यारे जिहड़े करमजीत अनमोल ने अपने उरे स्टेज ते आउणगे, मेरी गल सुण लो। चलो तुसीं एक बारी गल्ला ही लाओ। एमएलए प्रिंसिपल गुरनाम सिंह अपने पक्ष में बेनती है, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। एक मिनट इधर भाई जी, असी टेंपरेरी तौर पर स्टेज लाई सी, प्लीज प्लीज पिछे पिछे हो जाए, प्लीज मैं हाथ जोड़ के बेनती करता। करमजीत अनमोल जी साडे बाहरों आए ने गे, उके कलाकार ने, भाई तुसी चुप कर दो, जे चुप तुसी नहीं करते भरा पिछले मुंडे तां फिर गल किवें पूरी होगी। सो आपां गल कर रहे सी, आपां गल कर रहे सी भगवंत मान दी, कि उन्हें सानूं आश्वासन दिता है कि बुलाडे वाले कह दो भी जिहड़ी गल तुसीं मूंह ते बोलोगे तुहाडी जिहड़ी मंग आ पूरी होगी। असीं हुणी स्टेज दे उत्ते इह कीता नारा लाया कि भगवंत मान तेरी सोच ते पहला दिमाग ठोक के, केजरीवाल तेरी सोच ते पहला दिमाग ठोक के। ਉਹ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
तो आम लोगों को मुफ्त बिजली चाहिए है, जो लीडर मुफ्त पानी मिलता है तो आम लोगों को मुफ्त पानी मिलना चाहिए, जो लीडर मुफ्त दवाई मिलती है आम लोगों को मुफ्त दवाई मिलनी चाहिए है, जो लीडर के बच्चों वास्ते चंगे स्कूल ने तो आम लोगों के बच्चों वास्ते भी स्कूल चंगे होने चाहिए ने। यह सोच भगवंत मान की है, यह सोच केजरीवाल की है। तुसी जिन्ना चिर तुहाडा मुख्यमंत्री, जिन्ना चिर तुहाडा एमएलए, तुहाडा एमपी ईमानदार नहीं होंगे, तुसी ईमानदार राजनीति नहीं करोगे तो उसे पंजाब का विकास नहीं हो सकता। असल में गल यह है कि हुण तक जिन्ने भी पार्टियां काम करदियां रहियां उन्होंने प्रमुख तौर से शहर तो बाद 19 साल राज किया बादल ने, 26 साल राज किया कांग्रेस ने, दुनिया ने पहले अपने घर भरे ने, अज बादल को एक नहीं दो नहीं तीन नहीं हजारे बसा ने, सैकड़े होटल ने, होर पता नहीं की कुछ सुना कहना क्वार्टर के रूप में है। इस तरह कैप्टन को असी अंबानिया अंडानिया की गल करते रहे हैं, ये दोवें परिवार अंबानिया अंडानिया के प्यो ने, ये अपने वास्ते की करे, इन्होंने पहले अपना घर भरिया थोड़ा घर खाली किया, इस करके बेईमान ने इन्होंने पंजाब का पट्ठा बसाया। अब पंजाब के उत्ते 3 लाख करोड़ का कर्जा जी, 28,000 करोड़ रुपया कहने ब्याज ब्याज किश्ती है, तुहाडा किवें फायदा होगा? वो पंजाब जिहड़ा रंगला पंजाब सी, जिहड़ा पंजाब का मोही राज सी, जिथे एक भी कनाल बिना बिजाई तो नहीं रही, अज वह पंजाब के इन्ना कर्जा से खुदकुशियां कर रहे हैं किसान से मजदूर से व्यापारी। इतने ना किसान सौखा है, ना व्यापारी सौखा है, ना मजदूर सौखा है, ना विद्यार्थी सौखा है, ना आंगनबाड़ी सौखे ने, ना मास्क सौखे ने, ना डॉक्टर सौखे ने। सो भी इस बदलाव लड़ा आपको, इस करके आम आदमी पार्टी वोट पाने की अपील करते हैं। मैं पहले दस के हटिया कि साढ़े वास्ते हजे कोई मुख्यमंत्री साढ़े इलाके का नहीं बनिया, मंत्री साढ़े इलाके का नहीं बनिया। तुम वोटा पाओ भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाओ। और सुन मैं सारे बड़ी गल दस दिना कि दोनों पार्टियां बखराट जा चुकी ने। अज एक होर दुख की गल हुई है, भगवंत मान एक शहर के रोड शो कर रहा है, उसे किसी ने रोड़ा मारिया, अज उसकी अख थले बजिया। इतों तक के घरौली साज कर रहे हैं, पता है यदा माता तुम भगवंत मान तो पूरा डरे हुए हो, अज एक रोड़ा मार दो। इस गल की अभी इस स्टेज तो सख्त शब्दों में निखेधी करते हैं कि अब पंजाब का पुरस, पंजाब की मान, पंजाब का शान तुम जेकर रोड़े मार दो, यदा मतलब वही साज सामने आने वाली है। सानू इस गल का सचेत रहना पड़ेगा, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पिछले बारी मौत बंब दस्त होया कि ने कराया, पूरी जांच हो चुकी है, पूरा रोल है इन्हों कांग्रसियों अकालिया का इतों तक कि तू समझते ने, जोड़े बंदे गुरु ग्रंथ साहब का नहीं बने, जोड़े बंदे बाबे नानक का नहीं बने, वो थोड़ा नहीं बन सकते। सो भीरो मैं 5 साल एमएलए रहा, मेरा फर्ज बनता सी, मैं पढ़िया लिखा सी, मैं पंजाब की विधानसभा के बोली धिर के काम करता सी, पर मेरा जो फर्ज है वो यह है करमजीत सिंह जी, पंजाब के सारे वध मुद्दे मैं उठाए ने 147, पंजाब के किसी भी एमएलए ने 148 मुद्दे 147 सवाल साढ़े इलाके दियां मंगां वाले है किसी उठाए, मैं उठाए ने। एक भी दिन विधानसभा यह नहीं रहा जिसे मैं ना बोलिया होव, यह मेरा फर्ज बनता सी। और मसले हल भी करवाए ने, यह गल नहीं हैगी। और सब तो बड़ी गल यह कि जिन्हें मैं 148 मुद्दे सवाल लाए ने, मेरे को पूरा रिकॉर्ड है। मैं कहना इतने काफी छपा रखी है, मैं हर रोज पिंड मानता भी आ चको बी मेरे 148 सवाल, आ चको जो मेरे भाषा से मैं की मुद्दे उठाए, मैं उसे बहस हुई, उसे बहस हुई उन्होंने की मुद्दे उठाए। सो इस करके पंजाब का मैं पहला एमएलए हाँ जिन्हों को 148 सवाल लाए ने, और सवाल की लाए ने वो साढ़े को है, आ काफिया हले दस तुम ले सकते हो। आप कई बार कह देंगे कि तुम की काम किया, मैं तुम सब तक सरकार बड़े काम करा दिना। बुलाडे सीम की समस्या सी, बहुत पहली समस्या सी, विधानसभा प्रश्न लाया आने वाले 35 साल बुलाडे सीम का पानी नहीं खड़ूगा,
आने वाले 35 साल बुलाडे सड़कों का बड़ा हाल सी। तुसी देखिए चारे पासे चंगिया सड़क सियां, भावे वह कार रोड होवे भावे कोई भी होवे, हरेक सड़क आप पूरी करवाई है। बहादुरपुर कार्ज आया सी वह पूरा करवाया चलवाया, और टिकट कार्ज पिया बनिया पिया चलिया नहीं सी वह चलवाया। बुलाडे जिते मैं स्कूल च प्रिंसीपल सी 52 लाख रुपया दवा के दवा की बिल्डिंग बनाई है, लैके बोहा तो लैके बाबड़ा तक सड़क का बुरा हाल सी, वह सड़क पूरी करवाई है। जिन्हें भी किसान ने हर साल फसल मरदिया मुआवजा मैं बुढ़ासा चला, हर साल उन्होंने कणकों का मुआवजा दवा दी, सड़क मर जा बुलाडे बच्चा बच्चा केंद्र 6 करोड़ लेके आया, बिल्डिंग बन रही है 2-3 महीने पूरी हो जाएगी। बोहा नहर बनाई 28 करोड़ बजट पास हो गई, 3-4 महीने च बन जूगी। होर अनेक पर्सनल काम जो बनाए थे पर किसी तो 5 पैसे नहीं लाए, किसी तो किसी किस्म की कोई रिश्वत नहीं ली। इस करके मैं स्पष्ट तौर से इस वड्डी सत्त विच कहना कि कोई बंदा नहीं कहे कि बुधराम ने किसी पैसे ले ले, बुधराम ने किसी को ठगी मारी है, बुधराम ने किसी तेल भी पवा लिया, किसी कमीशन लिया। जे कोई इल्जाम लाता है तो आओ मेरे सामने आओ, जाके मैं मंत्र गुरुद्वारे मैं चढ़ूंगा, पहला मैं चढ़ूंगा। इतों का एक एम एक बखलास जाया हुआ एक एम सी कहना मैं बुधराम ने पैसे लेने, मैं ना दिना पोस्ट पाई मित्रा जे तेरी गल सच्ची है अपने पुत्र लेके गुरुद्वारे पर चल जा, आ जा नवी पाशी के पुत्र ने हथ रख के तू कह दे, पुत्र ने हथ रख के मैं कह दूंगा। उदू बाद अज तक नहीं आया, गलां चलिया सौखिया ने। किसी बंद ने पूछा उन्हू कहना भी क्यों कहा कि कहना जी मैं बदनामी करनी सी करती, कहना तेरी इस गल बदनामी नहीं होंगी। सो सच में कहीं भी आज नहीं, इस करके भी थोड़े बंदे पिंड के रहने वाले इलाके के रहने वाले चप्पा चप्पा इलाके की समस्या बारे पता है। इस करके ईमानदार मुख्यमंत्री भगवंत मान है बनूगा और ईमानदार MLA भी बन गए, इस इलाके का विकास होगा। मैंने भगवंत मान ने गल कही थी कि तुसी जाके बुलाडे ऐलान कर दो कि तुसी मुख्यमंत्री बन तो बाद जिहड़ी गल मुझे बोलोगे भी सानू आह सहूलत चाहिए है उही सहूलत बुलाडे नूं मिलेगी। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, वाहे खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई धर्म जी का अनमोल अनमोल जिदा कोई मुल नहीं, हीरे ने अद्धे मिनट लिए दसांगा। भाई जी का मैं प्रोग्राम देख रहा था चज का बचा, उन्होंने कहा भी भगवंत मान जी ने जो करते प्रोग्राम जुगनू हाजरा, वो मैं 2-3 बारी देखी है, मैं तो भाई की पहचान गई जितने ने दशहरे लेख पढ़िया मां आ भाई है अपना अनमोल। बहुत बहुत भाई ये हीरे अब पंजाब जगा बड़ा टाइम नहीं लगा, हूं अपना जिम्मे भगवंत मान से जिगरी यार इन्हों रखा जी फोर ट्रैक्टर, अरे फोर ट्रैक्टर छोटे लिए कुछ लेके आया। धन्यवाद सब तो पहला गज के आखो वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। सो जेड़े अज इस पंडाल दे विच आए ने खड़े ने बैठे ने, तुसी पंजाब दी तुसी अज कोई रैली ते नहीं आए, पंजाब दी नुहार बदलना आयो। सो इन्हें कट नूं देख के स्वाद आ गया ते दो नारे लाऊंगा मेरा साथ है, इनकलाब इनकलाब। सो बहुत खुशी होती है जदों चंगे लोगों का काफला जुड़ता है, चंगिया नीतां कहते चंगिया मुरादा नीतां मुरादा होंदियां ने। दोस्तों मैं तुहानूं दसदा मेरा किसी पार्टी नाल कोई संबंध नहीं, मैं सिर्फ एक चंगे लोगों के नाल जुड़िया कि पंजाब का कोई भला हो जाए। भगवंत मान नूं मैं पिछले 30 साल तो जाण वाला सी, जदों स्कूल पढ़ते सी +1 +2 तो लैके, तुसी भी मेरे नाल वध तुसी जानदे हो क्योंकि 1992 तो लैके उहदियां कैस्टां दे विच जो सरकारां दे सिस्टम दे विरुद्ध उहदे कटाक्ष हुंदे सी वो उदों तो लग्या होया। ये अज नहीं कि 7 सालां तो जे राजनीति च है तां पंजाब बदलण दी कोशिश कर रहा है, वो पिछले 30 सालां तो पंजाब बदलण दी कोशिश कर रहा है। अज उहदे हत्थां दे विच ये मौका मिलने की आस बची है, वह आस बनाई है तुसी तुसी लोगों ने, क्योंकि लोग सब तो बड़ी ताकत होंगे है। मैं एक गल दसूंगा कि इस बार जे आम आदमी पार्टी जीती है
ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਵਰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਜਣਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਨਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ 70-75 ਸਾਲ ਐਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਤਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਥੱਲਿਓਂ ਆਏ ਹੋ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੇ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਗਵੰਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਦਾ ਮਾਰੂ ਤਾਂ ਛਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸੁੱਟੂ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੁਧਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਜਿਤਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਐਤਕੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਂ 95% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਕ ਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੂ ਵਾਲੇ ਫਲਦ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਵੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾ ਲਾਓ ਗੁੱਠਾ ਦਵਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਧਰਾਮ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਜਿੱਤਣ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸਬਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
एक साढ़े बहुत ही प्यारे कवि हुए ने जी संत रामदास जी, मैं भगवंत काल जी टाइम तो गीत गाते थे, किसान मजदूर का गीत, मां धरती है तेरी गोद नूं चन होर बथेरे, मां धरती है तेरी गोद नूं चन होर बथेरे, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, जिथे तंग ना समझ तंगिया नूं जिथे मिलन गूठे संगिया नूं, जिथे मार तरसदे खंगिया नूं, नक बगदे अखा चुनिया ते दंद करेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमिया दे वेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमिया दे वेड़े। धन्यवाद। बेनती करते हैं भी उन्हें साढ़े ज्वाइन किया कांग्रेस छद के असि उस वीर का जीवे वाला फंसा जान दो, तो उन्होंने बेनती करते हैं भी कवि जी ने आप दोनों ज्वाइन करिए। तैयारियां का गीत है बूर प्यार प्यार गाए बिच खेती करका पतिया अगे ते बांबड़ वर्गिया धिया नी तू साफ बुकल बिच रखिया कदती नी गिण तो पे